हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो अभी हम लोग घर भर का काम खत्म करके निकल चुके हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं नंदनकानन की तरफ, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है। तो गाइस, चलो सीधा मिलते हैं नंदनकानन पे, वहाँ पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं और टूर करवाते हैं नंदनकानन के। तो दोस्तों, चाय पानी हो चुका है, अभी हम लोग निकल चुके हैं नंदनकानन की तरफ। तो गाइस, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं द सिल्वर सिटी कटक पर, और कटक अपने सिल्वर वर्क और अपने प्रसिद्ध दहीबड़ा के लिए जाना जाता है। गाइस, अभी हम लोग आगे पहुंच चुके हैं उस ब्रिज पर जहां पर कटक और भुवनेश्वर का मिलन होता है, तो इसलिए कटक और भुवनेश्वर को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं नंदनकानन की तरफ, यहाँ से और कुछ दूरी, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है, और बस अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं नंदनकानन पे, और अभी हम लोग गाड़ी वाड़ी पार्क करके निकलते हैं नंदनकानन के गेट की तरफ। तो गाइस, अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर के पास, और आफ्ताब भाई अभी टिकट ले रहे हैं। बहुत ही भीड़ है इधर। कितना है टिकट का प्राइस? मेरा टिकट 50 रुपीज पर पर्सन। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं नंदनकानन के गेट पर। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं नंदनकानन पर। चलिए गाइस, आप लोग को दिखाते हैं और पूरा शहर कराते हैं नंदनकानन की। तो गाइस, मैं बहुत साल बाद आया हूँ यहाँ पे। जब मैं छोटा था, 6-7 में पढ़ रहा था, तब आया था। उसके बाद से अभी आया हूँ, और आफ्ताब भाई तो हमेशा आते रहते हैं। आज आपको टूर कराएंगे, आफ्ताब भाई बताएंगे कहाँ पे क्या चीज़ है।
गाइस बहुत सारे जानवर अभी गुफा के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो गाइस जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो गाइस बहुत धूप पड़ा है, हम लोग अभी बहुत थक चुके हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। निकल रहे हैं घर की तरफ, तो ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।